शहीद मुख्तार अंसारी के घर पर लोग फातिहा खानी के लिए उमड़ पड़े। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर, शहीद मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी और दो बार के विधायक सिवतुल्ला अंसारी के घर फाटक पर लोग की भीड़, मर्द और औरतें पहुंचकर फातिहा खानी में लग गए हैं। एक ऐसा कानून जहां जुल्म से बेखौफ हर सीमा लांघा रहा है, एक ऐसा कानून जहां जुल्म बेखौफ हर सीमा लांघ रहा है और इंसाफ सड़कों पर भीख मांग रहा है। क्या ये सच नहीं है? इसी महात्मा गौतम बुद्ध और श्री राम के देश भारत में गुज़श्ता 10 साल में देश का ऐसा हाल कोई सोचा नहीं होगा। आज शहीद मुख्तार अंसारी का 10वां का फातिहा का प्रोग्राम, बाद नमाज फजर से कुरान शरीफ पढ़ने का सिलसिला जारी है। लोगों को देख सकते हैं किस तरह से बच्चे और हर तरह के लोग, बूढ़े शामिल होकर कुरान की पाठ पढ़ रहे हैं। इसी भारत में राम रहीम को अब तक आज तक के रिपोर्ट के अनुसार 6 बार पैरोल मिल चुका है और अब तो उस वक्त हो गई जब इसी साल 30 दिन का पैरोल मिल गया। ये खबर 21 जनवरी 2023 के आज तक के रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। यह है देश, लेकिन एक बाप के मरने के बाद बेटे को उसके अंतिम संस्कार में आने के लिए पैरोल नहीं मिल रहा है और तरह तरह के सरकार ने बहानाबाजी करके रोकने का भी प्रयास किया। आज जो अब्बास अंसारी को 3 दिन का पैरोल मिला है, सुप्रीम कोर्ट की अदालत से मिला है। पैरोल देने का अख्तियार राज्य सरकार का होता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जब पैरोल की दरख्वास्त पड़ी थी तो उत्तर प्रदेश की सरकार की महिला अधिवक्ता ने खूब विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मशहूर अदालत सिब्बल साहब की बहस पर किसी तरह से 3 दिन की पैरोल मिली है अब्बास अंसारी को। आप देख रहे हैं लोग किस मोहब्बत में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए हर जगह से आए हुए हैं। और आज बताता चलूँ आपको कि आज मरहूम का 10वां है और 10वें की फातिहा में लोग आए हुए हैं। इस तरह का सिलसिला सुबह बाद नमाज फजर से शुरू हुआ है और ये मगरिब की नमाज से पहले तक चलता रहेगा। कुरान पढ़ने का पाठ, लोग आते जाएंगे, कुरान पढ़ते जाएंगे और शाम मगरिब के बाद फातिहा खानी का इंतजाम होगा, क्योंकि सभी लोग रोज़ा रखे हुए हैं तो रोज़ा अफ्तार करने के बाद ही फातिहा खानी का प्रोग्राम रखा गया है और उसके बाद लोग जाएंगे कब्रगाह पे और वहीं पहुंचकर फूल और अकीदत के फूल चढ़ाएंगे और वहीं पहुंचकर रिश्तेदार और करीबी लोग फातिहा पढ़ेंगे। Zee22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।